हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना बेवकूफ में ऑर्डर को कैसे कैंसिल कर सकते हो। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहती है। तो गाइस, बहुत लोगों का ऑर्डर शिपिड हो जाता है या प्लेस हो जाता है, उसके बाद ये हमारा जो कैंसिल का इसमें ऑप्शन होता है वो शो नहीं होता है। तो यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपका आउट फॉर डिलीवरी भी हो चुका है तो आप अपने ऑर्डर को बहुत इजीली तरीके से कैसे कैंसिल कर सकते हो। तो आपको इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना है, पूरा आपको वीडियो देखना है, स्किप नहीं करना है। तो दोस्तों, हमें थ्री लाइन ऊपर दिखती है, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ हमें माय ऑर्डर का सेक्शन में जाना है। देखिए, यहाँ माय प्रोफाइल लिखा होगा, आपको उसको स्क्रोल अप कर लीजिए तो आपको यहाँ सामने दिखेगा माय ऑर्डर्स। तो माय ऑर्डर्स में आपको क्लिक करना है तो यहाँ आपको सारी ऑर्डर की डिटेल्स शो होगी। तो आपने जितना भी यहाँ ऑर्डर किया है आपको दिखेगा, तो उसको आपको पहले सेलेक्ट कर लेना है। तो ऑर्डर के ऊपर आपको एक बार और क्लिक करना है फ्रेंड्स, जो भी आपको ऑर्डर कैंसिल करना है उस पर ही आपको क्लिक करना है, कोई दूसरे ऑर्डर पे आपको क्लिक नहीं करना है। ना तो आप दूसरे पे क्लिक करोगे तो आपका वो दूसरा कैंसिल हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ देखिए, मैं एक ऑर्डर को सेलेक्ट कर लेता हूँ, फर्स्ट वन को, और यहाँ हमारा लोड हो चुका है। यहाँ दिखा रहा है न्यू एड्रेस एंड पेमेंट डिटेल्स के नीचे कैंसल और हेल्प एंड सपोर्ट। तो अगर आपने पेमेंट कर दिया, आपका शिपिड हो चुका है, आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है, उसके बाद हमारा कैंसिल का जो ऑप्शन आता है वो नहीं आता है। इसके बाद आपको कैसा कैंसिल करना है वो अब मैं बता देता हूँ। अगर आपको फ्रेंड्स पेमेंट नहीं किया, कैंसिल करना है डायरेक्ट, तो आप कैंसिल की बटन पे क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ देखिए, हेल्प एंड सपोर्ट पे आपको क्लिक करना है तो ये लोड होगा फ्रेंड्स। हेल्प एंड सपोर्ट पे एक और बार आपको क्लिक करने का, यहाँ हमें एक बोट आता है, देखिए, हाय आई एम बेकूफ बोट, हाउ माई हेल्प यू, तो उस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ मैं चैट के जरिए आपको कैंसिल करने का दिखा रहा हूँ, जिसका ऑर्डर शिप हो जाता है और कैंसिल का ऑप्शन शो नहीं होता है, उसके लिए फ्रेंड्स यहाँ अभी हमें थोड़ा वेट करना है। तो यहाँ मैं सेलेक्ट करने बोल रहा हूँ, आई नीड हेल्प विथ माई ऑर्डर पे आपको सेलेक्ट कर लेना है फ्रेंड्स। तो मैंने इस पे क्लिक कर लिया हूँ, अभी सामने से हमें रिप्लाई आएगा, हमारा चैट का जैसा ऑप्शन ओपन होता है, हमारा ऑर्डर कैंसिल करना है हमें और अपना रिफंड लेना है। तो यहाँ आपको वेट करना है, स्लो स्लो फ्रेंड्स, यहाँ आपको रिप्लाई आता है, जल्दी जल्दी आपको रिप्लाई नहीं आने वाला। तो यहाँ दिखा है मेन मेन्यू और क्लोज कन्वर्सेशन, तो हमें मेन मेन्यू पे क्लिक करना है फ्रेंड्स। तो यहाँ नीड हेल्प और मेन मेन्यू लिखा है, तो फ्रेंड्स फिर से आपको नीड हेल्प पे क्लिक करना है, जो आपने ऑर्डर किया था दिखा रहा है। देखिए, यहाँ हमें अभी एक ऑप्शन शो होने वाला है कैंसल माय ऑर्डर का, वेर इज माय ऑर्डर, उसके नीचे कैंसल माय ऑर्डर लिखा है, हमें कैंसल माय ऑर्डर पे एक बार क्लिक करना है। यहाँ लिख के आ रहा है योर ऑर्डर इज द कन्फर्म, आर यू श्योर यू टू कैंसल योर ऑर्डर, तो आपको यस कर देना है। तो देखिए, हमारा अभी ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, हमें नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो ये सबके लिए फ्रेंड्स, कोई भी यूज कर सकते हैं कैंसिल का ऑप्शन, जिसका शिप हो चुका है, जिसका ऑर्डर आउट फॉर डिलीवरी हो चुका है, जिसका ऑर्डर में कैंसिल का ऑप्शन शो नहीं होता है। तो अभी एक रीजन आपको सेलेक्ट कर लेना है फ्रेंड्स, एक बार रीजन सेलेक्ट करने के बाद आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए, हमारा अभी ऑर्डर कैंसिल हो चुका है और इधर मैसेज आ चुका है। आपको ये तरीके से करोगे तो रिफंड भी मिल जाता है जल्द से जल्द और हमारा ऑर्डर कैंसिल भी हो जाता है। तो यहाँ कैंसिल हो चुका है, हमें मैसेज भी आ चुका है, नोटिफिकेशन भी आ चुका है और हमारा ऑर्डर कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से आपको अपना ऑर्डर को कैंसिल करना है। कोई भी आपका ऑर्डर हो फ्रेंड्स बेवकूफ में, ऑर्डर ऐसे कैंसिल करोगे तो कैंसिल हो जाएगा और आपका रिफंड मिल जाएगा। अगर आपने बैंक से पेमेंट किया है तो आपको 24 से लेकर 48 हर्ट्स लगता है अकाउंट में आने, अगर आपने वॉलेट से किया तो फ्रेंड्स 4 से 5 घंटे में आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर कॉमेंट करके नीचे बताना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब।